सचिन पायलट समर्थक और चाकसू से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है और इसी के साथ ही 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला बैरोड SEM कोर्ट ने सुनाया है। जानकारी के अनुसार मामला 8 साल पुराना है और उस समय सोलंकी कोटपुतली बैरोड जिले के बांसुर में प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। इसी दौरान प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर शिक्षा विभाग से रिटायर्ड PTI से 35 लाख रुपए नकद ले लिए थे। इसके बाद में प्लॉट नहीं दिला पाने के कारण उन्होंने 35 लाख के चेक वापस थमा दिए, लेकिन यह चेक बाउंस होने पर पीड़ित PTI ने यह मामला दर्ज कराया था। दरअसल बता दें कि साल 2015 में PTI मोहर सिंह ने सोलंकी को प्लॉट के लिए 35 लाख रुपए दिए थे, लेकिन काफ़ी दिनों तक प्लॉट नहीं दिलाने पर मोहर सिंह ने रुपये वापस लौटाने की बात कही। इस पर वेद प्रकाश सोलंकी ने 10 सितंबर 2015 को जयपुर के मानसरोवर स्थित एक्सिस बैंक का चेक दे दिया, लेकिन चेक बाउंस होने पर मोहर सिंह ने सोलंकी से रुपये लौटाने और चेक बाउंस होने की बात कही और रुपये नहीं लौटाने पर पीड़ित PTI ने अक्टूबर 2015 को मामला दर्ज कराया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी पर कोर्ट ने इसे 1 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।